दवाई अस्पताल की तरफ से दवाई नहीं मिलता है, जो भी इलाज करते हैं तो बाहर से दवाई मिलता है। डॉक्टर लोग लिख के दे देता है चाहे बाहर से दवाई मंगाएं, तो बाहर से दवा मांगते मत, हमारे पास पैसा खत्म हो गया है और फिर अभी पुरचल लिखता है जो बाहर से दवा लाइए। परमात्मा एक दो सुई मिलता है बस हो गया, बाहर से दवा खरीद के लाइए। लेकिन बेड मिलने से नहीं होगा ना, डॉक्टर ना टाइम से आ रहे हैं ना कुछ हो रहा है। नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रियाज सुमन। इस वक्त हम पहुंचे हैं टाटा बाड़ PMCH। हम आपको बता दें, यूं तो मुख्यमंत्री बिहार के जो उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं बाढ़ को लेकर या तो फिर मेडिकल वगैरह को लेकर, हमेशा वो एक्टिव रहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, PMCH का जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया। यूं तो हमेशा वो कहते हैं कभी ये NMCH रात में निकल जाते हैं तो कभी दूसरे जगह हॉस्पिटल निकल जाते हैं, तो क्या उनको PMCH नहीं दिखाई देता है? हमारे से तो ऐसे एक व्यक्ति है जिनके हम बारे में आपको बताएंगे। क्या प्रॉब्लम हुआ आपके साथ? आज 8 रोज हो गया मेरा ऑपरेशन होने का, लेकिन घाव नहीं सूखता है। और जिस दिन से पाइप पेशाब का और खून का पाइप निकला, उस दिन से मुझे दवाई अस्पताल की तरफ से दवाई नहीं मिलता है, जो भी इलाज करते हैं तो बाहर से दवाई देता है। आपके क्या हुआ? सर, हम इसको इलाज करने के लिए आए 10 तारीख को, 10 तारीख को ऑपरेशन कराए हैं, और पहला रोज थोड़ा थोड़ा अस्पताल का तरफ से दवाई मिला, और ऑपरेशन कराने का दवाई जो है तो बाहर से हमको लाने पड़ा 6,000 का। अच्छा। और फिर अभी डेढ़िया पर पुरजा देता है जो बाहर वाला दवा मंगाए, यहाँ से कोई दवाई मिलता है नहीं, मेरे पास पैसा भी नहीं है। लेकिन जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, वो तो कहते हैं कि निःशुल्क इलाज यहाँ पर होता, हर एक तरह का दवाई का व्यवस्था किया गया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ पे दवाई बाहर से मंगवाना पड़ता है और वो भी 6,000 का। आप मिडिल फैमिली से हैं तो कहाँ से ये कर पाते होंगे? हम यहाँ आए सरकार की तरफ से इलाज कराएंगे, लेकिन यहाँ का डॉक्टर लोग लिख के दे देता है चाहे बाहर से दवाई मंगाएंगे, तो बाहर से दवा मांगते मत, हमारे पास पैसा खत्म हो गया है और फिर अभी पुरचल लिखता है जो बाहर से दवा लाइए और बीमारी ठीक नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ऐसी महिलाएं जिनको चलने की शक्ति नहीं है, फिर भी ये जमीन पे खड़ा है। अगर हम आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा ही गरीब जो होता है, गरीब स्थिति में इंसान कहाँ पे जाता है? ज़्यादातर सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा, लेकिन जब सरकारी हॉस्पिटल का स्थिति इतना गड़बड़ रहेगा तो आखिर लोग कहाँ जाएंगे? और इसी में काफ़ी ज़्यादा लोगों का जान चला जाता है, लेकिन सरकार कुछ नहीं देखती है। क्या मुआवजा देती है इनका परिवार को? नहीं देती है। मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल है PMCH है, वो काफ़ी ज़्यादा सुधारा जा चुका है। हमारे बीच पब्लिक है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि PMCH का जो पहले का जो स्थिति था, अब कुछ सुधार आया है? अभी तो नया अभी आए हैं फिलहाल, अभी इसको विषय में पता नहीं है, मैं नहीं बता सकता। अच्छा। हम लोग भी आए हैं मुजफ्फरपुर से। अच्छा। तो बाहर से दवा खरीदे हैं तो यहाँ पर तो सरकारी निशुल्क है ना? हाँ, यहाँ पे कोई दवाई का पैसा नहीं लगता और यहाँ पे सारा दवाई का व्यवस्था है। मात्र एक दो सुई मिलता है बस हो गया, बाहर से दवा खरीद के लाइए तो लोग खरीद के लाते हैं। दवा खरीद के लाते हैं, 6,000 का खरीद के लाते हैं, अभी लेकर आ रहे हैं हम दवा खरीद के बाहर से। डॉक्टर साहब लिख देते हैं और बोलते हैं यहाँ पर दवा नहीं है हमारे पास, बाहर से लाना पड़ता है। 900 का जो दवा है बाहर में 1,800 का मिलता है, मेडिकल वाला मजबूरी में लेता है ज्यादा पैसा हम लोग से। अच्छा, लेकिन आप लोग तो ये सोच कर आते हैं सरकारी हॉस्पिटल की, सरकारी हॉस्पिटल में निशुल्क इलाज होगा? इलाज होगा, लेकिन यहाँ कहाँ इलाज हो रहा है निशुल्क? यहाँ तो पैसा पैसा हर जगह। अच्छा, पैसा इलाज कैसा किया जा रहा है? यहाँ पे बेड वगैरह मिल जा रहा है टाइम से? बेड तो मिल जा रहा है, लेकिन बेड मिलने से नहीं होगा ना, डॉक्टर ना टाइम से आ रहे हैं ना कुछ हो रहा है। अच्छा, बोलता है कि रुको रुको जा रहे हैं, और 3 दिन से हम भी आ चुके हैं पटना जिला घर है मेरा, नवापुर थाना से रहने वाला हूँ। 3 दिन से मरीज के मैं लेके खड़ा हूँ। फर्स्ट दिन यहाँ आए तो दवा के पर्ची दे दिया, उसके बाद लेकर आओ बाहर से 2-4 पानी दे दिया खाली सिरिंज, फिर मैं बाहर से लेकर आया 3200 रुपये का दवा। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से लेकर आएंगे उतना? बहुत ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ओपीडी में मेरी वाइफ भर्ती है, ओपीडी में मैंने पहले दिखाया, 3 दिन ओपीडी में दौड़ाएं, जांच करवाइए। तो यहाँ तो एक जांच एक दिन में होता ही नहीं है, हर जांच के लिए यहाँ 2-3 दिन टाइम लगता है। सारा जांच करवा के फाइनल हुआ तब परसों मंडे सैटरडे के दिन एडमिट कर ली।
मेरी वाइफ को, फिर एडमिट करके सैटरडे के शाम में फिर बोलते हैं कि अच्छा आज छोड़ दीजिए, आपका कोई और विभाग में होगा, जो कह के फिर वहाँ से डिस्चार्ज कर दी। डिस्चार्ज करने के बाद फिर मंडे को बुलाई, मंडे को फिर मैं आया, मंडे को आने के बाद फिर ओपीडी का पर्ची कटा, क्योंकि एक पर्ची सेम टाइम काम नहीं करता यहाँ पे, तो ओपीडी का फिर से पर्ची कटा, ओपीडी में मैंने फिर से पर्ची कटा, ओपीडी का पर्ची कटाने के बाद फिर देखी, फिर वार्ड शिफ्ट कर दी, वार्ड शिफ्ट करने के बाद फिर हुआ कि अब टाटा वार्ड में जाइए, टाटा वार्ड से फिर एक पर्ची कटा के आइए, एक ही स्लिप बार बार, मतलब एक एक पेशेंट के लिए 8 स्लिप, और जो भी स्लिप लिए वो जमा कर लेती, फिर नए से प्रोसेस बनाती, प्रसूति विभाग में फिर आज एडमिट कर ली, फिर कल फिर एडमिट करके फिर शाम में डिस्चार्ज करके फिर आज एडमिट किए, कुछ तो समझ ही में नहीं आ रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है कि ये जो परेशानी है मुख्यमंत्री की तरफ से हो रहा है या बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है, या तो फिर से यहाँ का मैनेजमेंट नहीं ठीक है, यहाँ का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, बस बात खत्म। मतलब यहाँ सीनियर डॉक्टर तो कोई आते ही नहीं है, राउंड में भी सीनियर डॉक्टर नहीं आते हैं, जो भी यहाँ ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग आवर में जो भी है वही लोग देखती हैं, सीनियर डॉक्टर से तो दर्शन भी नहीं होता है। तो जैसा कि आपने देखा, बिहार सरकार को पैसा खर्चा करने आता है, लेकिन बिहार सरकार कभी आकर चेक करती है क्या कि यहाँ पे किस तरह का मैनेजमेंट ठीक है या नहीं है, और किस तरह का यहाँ पे इलाज चल रहा और व्यवस्था क्या क्या चीज़ है। आप देख सकते हैं हमारे तरफ किस तरह का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और रोड जिस तरह का है, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ का मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा सही है, और यहाँ आप पब्लिक ज़्यादा परेशान है और परेशानी का वजह तो आप देख ही रहे हैं। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन सकीना के साथ रिया की रिपोर्ट, पटना। नमस्कार।